हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुकेशनल गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग सिलास मानर का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 तक ऑलरेडी पढ़ चुका था। तो जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़ा कि कैसे सिलास अपने आप को सभी लोगों से दूर रखता है और वो हमेशा अकेले ही रहना पसंद करता है और गोल्ड क्वाइन को गिनना उसे ज़्यादा पसंद है, और ऐसे ही उसने अपने 15 साल रेवेलो में गुजार दिए। चैप्टर 3 में हम लोग रेवेलो के रिच फैमिली स्क्वायर कैस के बारे में पढ़ेंगे। ये एक वेल्दी पर्सन होता है जिसके 2 बेटे हैं। एल्डर बेटे का नाम होता है गॉडफ्रे कैस और छोटे बेटे का नाम होता है डनस्टन। डनस्टन का निकनेम भी होता है डनसी, जिसे गैम्बलिंग और ड्रिंक करने का काफ़ी ही बुरी आदत था। गॉडफ्रे मॉली फेरन नाम की लड़की से छुप के शादी कर लेता है, जो उसके छोटे भाई डनस्टन को पता रहता है, और वो गॉडफ्रे से इस सीक्रेट को सबसे छुपाए रखने के लिए गॉडफ्रे से हमेशा पैसों की डिमांड करता है, उसे ब्लैकमेल करता है। गॉडफ्रे भी रेंट से आए हुए पैसे डनस्टन को दे देता है। जब स्क्वायर कैश पैसों के बारे में पूछते हैं तो कोई भी कुछ नहीं कहता, और स्क्वायर कैश काफी गुस्से में बोलते हैं कि वो इस बात का पता लगा के रहेंगे। एक बार डनस्टन फिर से पैसे मांगता है तो इस बार गॉडफ्रे अपना प्यारा हॉर्स वाइल्ड फायर उसे दे देता है बेचने के लिए। गॉडफ्रे सोचता है कि काश वो अपने डैड की बात मानकर नैन्सी नाम की एक लड़की से वो शादी कर लेगा, लेकिन वो मॉली से भी डरता है, जो उसकी फर्स्ट वाइफ होती है उससे काफी डरता है। लेकिन वो डस्टन से काफी परेशान था तो वो उसे धमकी भी देता है कि वो खुद ही मॉली के बारे में, उसके शादी के बारे में सबको बता देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 3। आई होप आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।